कल रात में तो भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट सोया था, 1 बज गए थे मुझे सोते सोते। और अरे क्या हो गया सुबह सुबह, अभी पेंट थोड़ा सूख गया है ना, थोड़ा ठीक भी लग रहा है। और कल रात तो भाई मैं बहुत देर से सोया था, 1 बज गए थे और 1 बजे इतनी ठंड लग रही है। और ये देखो ठंड ना जाने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसा लग रहा है आ रही और जा रही है। एक दिन इतनी बढ़िया धूप निकलेगी और फिर धूप नहीं निकलेगी, ऐसा हो रखा है भाई आजकल तो। अभी चलते हैं भाई, चाय वाय पियेंगे और फिर हम देखते हैं। मम्मी ग्रीन टी बना दो मेरी। अच्छा कौन सा ये वाला है। चलो भाई देखकर आते हैं। ओ नहीं देखो कितनी मस्त स्टीम निकल रही है। आजकल जब वीडियो शूट करने जाता हूँ ना मैं, इतनी ज्यादा स्टीम निकल रही है कि भाई पूछो मत, ऐसा लगता है कि कुछ कैमरे में दिख ही नहीं रहा। अरे मम्मी इस तरह को क्यों नहीं करवाए, मम्मी इस तरह को पेंट नहीं करवाओगे, करवाओगे ना, हो सकता है पेंट खत्म हो गया इतने भरी। लाला ये देखा पानी, गर्म पानी दादू। बाहर मसाला बन रहा है। अब तो लग रहा है पूरा साफ हो गया इस तरफ का, अब तो लग रहा है ये सब खाली हो जाएगा। खाली हो ही गया, यहाँ पे रखा हुआ था ना बहुत दिनों से। भाई साहब चूहा ने कितना खतरनाक ओला है भाई। शाम को सोचता हूँ कि सुबह उठते ही नहाऊंगा, फिर सोचता हूँ दोपहर में नहाऊंगा। ये ना भाई बहुत पुराना बिस्कुट है, इसको देखो लेकर आया ये, इसको सबसे तेजी रहती है सबसे ज्यादा। चलो पूरा साफ हो जाएगा ना मम्मी, अब रुक जाओ मैं बिस्कुट दे दूं। बिस्कुट चलो, माड़ डाल रही, माड़ भाई। यहाँ से ना उड़ उड़ के इस तरफ आता तो फिर पापा ने क्या करा, पहले ही झाड़ू वाड़ू लगा दिया। और इसका भी क्या होगा, आग जल जाएगा। पवन तैयारी भी कर रहा है ना, पवन जोर जय। हाँ छिड़को देता आराम से, ये देख रहे हो तो भस जाएगा, यही भस जाए, भस ये जाए है ना। तो यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दी भाई, नहीं तो यहाँ पे रोज करनी पड़ रही थी। अब कोई नहीं, जगह है तो कर देते हैं। ये हो गया, देख रहे कितने आराम से साफ हो जाता है पूरा मंदिर ना। इधर से धोते हैं, इधर पानी आ जाता है एक बार में। तो इधर का ना प्लास्टर करा ली, क्योंकि ये ना पूरा गिरने वाला है। उधर का तो पीछे साइड का तो गिर गया था, क्योंकि दीवार ये 5 इंची का है ना, पिलर उड़ा है ना इसमें, तो इसीलिए गिर रहा है। तो इसको देख रहे छेद करवा दी है कि पानी निकल जाएगा उधर का बरसात का। इधर दीदी का खेत है, ये देखिए अरवी लगाई हूँ ना, अरवी पत्ता कितना बढ़िया, सब लोग खाते हैं, लगा दिए हैं सब लोग खाते हैं। और दोस्तों काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि अनिता जी जाने वाले जो रास्ता है ना उसको ठीक करवा लीजिए। तो देखिए अब पानी ना इधर से गिरेगा यहाँ से है, और इसको ना मैं ठीक करवा ली। देखिए अब यहाँ से इसको बंद करवा दी, देख रहे यहाँ से बंद करवा दी, क्योंकि इतना तगड़ा गिरी थी कि भगवान बचा लिए। तो अब इधर सूखा रहेगा, अब जाऊंगी खेतों में सब्जी उब्जी तोड़ने के लिए ना, तो गीला नहीं रहेगा। अभी ना इधर देखिए इधर पाइप रखा हुआ है, देख रहे इधर पाइप रखा हुआ है, तो पाइप यहाँ पे नहीं रखूंगी, पाइप को ना इस कोने में रखूंगी कि जो भी लोग खेत सिंचाई करेंगे यहीं से निकाल के चले जाएंगे, यहीं से लेके चले जाएंगे। आइए
बिल्कुल साफ सुथरा ये जगह हो जाएगा। और देखिए दोस्तों गोला बना लेनी है, असम पर असम मार दी। ये लाइन लाइन दिखा लू, देख रहे हैं लाइन से मैं दिलवा दी। और ये वाला देखिए, ये स्टैंड रख, स्टैंड बनवा ली हूँ यहाँ पे बर्तन रखने के लिए। आप लोगों को बड़ी अच्छा लगेगा, ये मैं अपने आइडिया से बनाई हूँ। ये आपका आइडिया लाइन वाला ना? हाँ, लाइन वाला आपका आइडिया। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही हमारे चाहने वाले हैं, शुभ चिंतक हैं, हमारा भला चाहते हैं। जैसे जैसे आप लोग बोलते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ। और देखिए यहाँ पर ना बरसात में भस गया था नीचे, तो यहाँ पर भी भैया सीमेंट लगा दिए हैं। यहाँ थोड़ा प्लास्टर करना था पर सीमेंट घट गया तो नहीं हुआ उस टाइम, फिर बाद में सीमेंट आया। तो अभी भी बहुत सारा काम है। देखिए इसका जो पौधा वाला है ना, इसको ठीक करवाना है बढ़िया से प्लास्टर। ये टूट वाला भी ठीक करवाना है। यहाँ ना, यहाँ में यहाँ से भी मैं फिसल जाती थी, देख रहे हैं। जैसे बरसात के दिनों में ना यहाँ से पानी आता था तो मैं फिसल जाती थी, तो यहाँ पर थोड़ा ठीक करवा ली। अब देखिए बात आती है यहाँ की, देख रहे हैं यहाँ ना पीछे साइड से पानी आता है। ये जो देख रहे हैं ना पीछे साइड से पानी आता है ना, तो ये बहुत दिक्कत करता है। फिर यहाँ तक चूल्हे के पास तक आ जाता है पानी, चूल्हे के पास तक पानी आ जाता है। उस कोने से पानी आता है, देख रहे हैं उस कोने से, पता नहीं कैसे धीरे 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 सरा सरा के पानी आता है पूरा, और इस तरह पूरा भर जाता है, इस तरह पूरा भर जाता है। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि ईंट लगवा के ठीक करवा दूँ, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा से तो कुछ होने वाला है नहीं, धरती यहीं पड़ा रह जाएगा, इंसान पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वैसे तो आप लोगों को बता दी हूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए देख रहे हैं ये वाला जो दीवार है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक 2017 में ही हम लोग लगवाए थे। उस टाइम पानी का भी सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत लफड़ा हुआ था इस मतलब दीवार दिलाने में, बहुत लफड़ा। मैं क्या बताऊँ, सब कोई अपना ही है भाई, किसी से कुछ बोलने लायक नहीं है। तो ये दीवार यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में है, पूरे में देख रहे हैं इस कोने तक। इस दीवार को दिलाने के लिए ना मेरे बच्चे कुएं से तीनों के तीनों पानी भरे थे, क्योंकि उस टाइम बोरिंग भी नहीं लगा था, 2017 का बात है। और बहुत लफड़ा हुआ था इसको जमीन को करवाने में, क्या बताऊँ आप लोगों से, तब भी सुविधा नहीं हुआ पानी का। तो लाला जी बोले थे कि कुछ मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिए, लेकिन पड़ोसी जिंदाबाद, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है भाई। हाँ तो ये सब हो ही रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना आइए। हाँ आप लोगों को, आप में से बहुत से दोस्त बोलते हैं कि अनिता जी आपका कोलाई जो है ना वो स्वर्ग से कम नहीं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो स्वर्ग दिखता है ना आपको, ये स्वर्ग ना पहले मतलब कहते हैं ना नर्क जैसा था। पहले यहाँ पे ना इतना बड़ा बड़ा पेड़ था, वो जलावन का दिख रहा नहीं, जलावन वाला जिसको सीरीज बोलते हैं, कम से कम नहीं हो तो 200-300 पेड़ था इसमें, 200 कम से कम तो होगा ही। और उसका मोटा मोटा जड़ यहाँ से सब निकलवाए हैं लाला जी, पूरा एक साल लग गया उस जड़ को निकलवाने में। पूरा मतलब बहुत बड़ा बड़ा जड़, इतना छोटा पेड़ का इसका हम लोग जड़ नहीं निकाल पा रहे थे। अब सोचिए उतना बड़ा बड़ा पेड़ का, पता नहीं कितने सालों का वो पेड़ था। वो सब लकड़ी के लिए यहाँ पे रखा गया था, लकड़ी काटते थे उसके ऊपर से। वो पेड़ को लाला जी निकलवाए, एक एक जड़ को निकालने में ना कितना दिन लग गया, कितना दिन, बहुत टाइम लगा। और ये मान के चलिए कि 100-200 साल से ऐसे ही लफड़ाई चल रहा था इस ज़मीन पर, लाला जी सॉल्व करवाए हैं। और ये ना मतलब नाली बहता था यहाँ से वहाँ तक, पूरा नाली इधर आता था, पूरा जंगल तो था ही, नाली बहता था, पूरा मोहल्ले का कचरा यहाँ फेंका जाता था, मतलब जितना हाथी डूब जाए उतना कचरा था। लाला जी उतना कचरा साफ करवाए हैं, और इस पे ना 3 बार मिट्टी डलवाए हैं, 3 बार। ये देखिए वो दिख रहा ना वो खेत, चलिए आपको दिखाती हूँ, उधर चलूँगी तो वो खेत के जितना नीचे ये जगह था। इस पर 3 बार मिट्टी डला है, एक एक करके यहाँ का पत्थर पुत्थर चुने हैं लाला जी और मैं, मतलब बहुत सी यादें जुड़ी है। वैसे तो हम लोग ना यहाँ पे इस वाला एरिया पे जहाँ पुराना झोपड़ी पहले था,
तीन साल तक हम बिना अथी कुछ किए ही ऐसी पन्नी डाल के ही काम किए थे, पन्नी डाल के ही काम किए थे। झोपड़ी उपड़ी कुछ नहीं बना था, झोपड़ी तो अभी दो साल हुआ बने हुए हैं, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया। तो बहुत लफड़ा होने के बाद, क्या मैं बताऊँ, बहुत लफड़ा होने के बाद ये दीवार लगा था। अब कोई बोलेगा कि इस दीवार को तोड़ दो तो अच्छा बात नहीं है ना, है तो बहुत मेहनत से बनवाए हैं भाई, बिना पानी का। सोचिए पानी, ये जो दीवार है ना 10 इंची का दीवार है, मेरे जितना तो अंदर नेव है। सोचिए मेरे जितना मिट्टी भराया है, मेरे जितना मिट्टी भराया है इस पर, तो उतना नेव है इसका। और उसके बाद अब कोई बोलेगा कि इसको तोड़ दो दीवार को, तो कैसे होगा। बहुत संघर्ष के बाद बना है, पैसा भी लगा, मेहनत भी लगा, दिमाग भी लगा सारा। ये जो देख रहे हैं ना, ये हम लोग जो निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ तक सब जलावन वाला बड़ा बड़ा पेड़ था, सब जलावन वाला, सबको निकाला गया। और उधर जो नया मोड़ा ये अभी लगा है, जिधर आप लोग देख रहे हैं, ये भी पूरा जंगल एरिया था, पूरा जंगल एरिया, मतलब इसमें ना सौरी मौरी सब फेंकाता था, सब जगह यहाँ से वहाँ तक ऐसा जगह था ये, मतलब गंदा चीज़ फेंकाता था इधर। उसको हम लोग साफ करके इसको स्वर्ग बनाए। अब बाकी तो भगवान करते हैं सब, मेहनत तो लगा, 5-6 साल लग गया इसको बनवाने में। 6 साल से अभी आज तक देखिए काम कंटिन्यू चल ही रहा है 6 साल से। और इधर तो इतना पेड़ था, इतना पेड़ था, इधर इतना पेड़ था कि पूछे मत। हाँ, उसमें के ना एक पेड़ हम रखे निशानी के तौर पे। ये वाला देख रहे हैं, ये मोटा वाला पेड़ है, इसको मैं रखी हूँ निशानी के तौर पे। ये ना मड़ई को सपोर्ट भी दे रहा है, इसलिए इसको बच गया है, बच क्या गया है, बचाई हूँ जान बुझ के। तो ये पूरा मतलब ये बोरिंग वाला जगह भी ना बिना पानी का ही बना था। 2017 से काम करवा रही हूँ गाँव में, आज देख लीजिए 2000 को हो गया, 24 हो गया, और आज भी काम करवा रही हूँ। तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं। ये जो स्वर्ग बोलते हैं ना, ये बहुत बेकार था, देखने लायक नहीं था। जो पुराने लोग हैं ना, जब कभी इधर आते हैं तो बोलते हैं, अरे बाप रे ये कैसा हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे दादी बोलती थी, यहाँ तो सुबह ही नाचती थी। हाँ, एक बूढ़ी दादी हैं उधर पीछे से आती हैं, वो एक बार आई बूढ़ी, अरे बाप रे कैसे नाचा हो गई भाई, कैसे हो गई लो, ये तो एकदम ये सुअरी नाचा तलसी है, ऐसा बोल रही थी। तो मतलब बहुत मेहनत लगता है कोई भी काम को करने में, और यादें भी बहुत जुड़ी है, और मतलब मैं क्या बोलूँ, इमोशनल भी है, क्योंकि एक एक चीज को ना हम लोग संवारे हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो अभी तो फिलहाल बातें मैं किसी और दिन करूँगी, जब काम हो जाएगा ना ख़त्म, तो ये सारा सामान अभी मैं जा रही हूँ हटाने, नहीं देख रहे हैं, और फिर वो दीवार एक यहाँ से आएगा, देख रहे हैं, क्योंकि पानी आ जा रहा है तो उसका सुविधा तो करना ही पड़ेगा भाई, हैं। और एक और सोच रही हूँ कि देख रही है, देखिए कभी बारिश आ रहा ना तो यहाँ तक पानी आ जा रहा है, हाँ बारिश का पानी इधर आता है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ भी एक ईंट लगवा दूंगी ना, तो बारिश का पानी बाहर रहेगा। कौन है रे चोरनी आई थी करे? हाँ ना, पापा है, मैं सोची चोरनी एक पिल्लू के बच्चे में से चोरनी है, वो ना बहुत बदमाशी करती है।